वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट वेरी सिंपल वेरी इजी और वेरी यमी चॉकलेट केक बनाएंगे विद गनाश, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये इस कदर सिंपल केक है और इतना ही ऐसा लगेगा माइंड ब्लोइंग है। तो इजी वे में बनाने के लिए एक बोल लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा जो कि लेवल्ड था, सिर्फ नहीं किया है, सब ऐसे ही डाल रही हूँ। 1/2 कप कोको पाउडर, 1 कप शक्कर, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, अब जाएगा इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वैनिला पाउडर। अगर आपके पास एसेंस है तो वो डाल दें और अगर ना हो तो कोई भी अपनी मर्जी से खुशबू डाल सकते हैं या स्किप करें। तो ये तो चले गए सब ड्राई इंग्रेडिएंट, इजी पीजी इसको बस इस तरह से मिला लेंगे। वैसे तो मैंने चॉकलेट केक बनाए हैं 2-3 तरह के, चूल्हे पे भी बनाया है, फ्राई पैन पे भी बनाया है, लेकिन अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ, आप देखिएगा, वेरी सिंपल और इजी है। वो जोया के साथ मैंने बनाया, जोया जब छोटी थी तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। तो ये भी आप केक जिनको चूल्हे पे बनाना है वो चूल्हे पे बना सकते हैं और अवन में चाहे तो अवन में बना सकते हैं। चलिए ये ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे मिक्स हो गए हैं तो इसमें अब हम डालेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट जो कि कुछ यूँ है कि हमारे पास यहाँ 4 टेबलस्पून बटर है जो कि रूम टेम्परेचर है, ये डाल देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा है दूसरे काम के लिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर है सारी चीज़ें और अनसॉल्टेड है। और अगर आपका सॉल्टेड है तब जो नमक डाला है वो स्किप कीजिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे, अगर अंडे लार्ज है तो 2 डालें और अगर मीडियम है तो 3 डालें। तो इसमें 2 लार्ज अंडे डाल देते हैं, साथ ही इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून तेल, एक कप भर के दूध यानी 1 कप और 1 टेबलस्पून के आसपास है, लेकिन हर चीज रूम टेम्परेचर। और अब इसे हम जरा सा मिक्स कर लेंगे। अब ये सारी चीजें थोड़ी से मिक्स हो गई है तो उड़ने के खदशात खत्म हो गए, तो बस इसे हम बीट कर लेंगे थोड़ा सा जब तक ये मिक्स ना हो जाए अच्छे से, चाहे हैंड वाला ले लें चाहे इलेक्ट्रिक ले लें, ओवर नहीं करना है लेकिन मिक्स करना है। तो ये हो गया, इतना सा काम था। और अब आपको जिसमें भी बनाना है केक, तो इसमें तो मैं राउंड ये बना रही हूँ तो ये मेरा यूँ खुलने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इस तरह से लेना, ये इजी वे है। अगर आपको भी ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हैं। तो क्या है कि वैक्स पेपर अगर इसके ऊपर डाल देंगे तो लाइफ और इजी हो जाएगी, क्लीन नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। और ये जो बटर रखा था ना ये मैं थोड़ा सा इस पर लगा दूँगी। रिंग पैन आ देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। मेरा पैन जो है 9 इंचेस का है तो बस अब बैटर डाल देंगे इसमें। मेरा ओवन प्रीहीट हो रहा है 350 फ़ारेनहाइट 165 सेल्सियस के आसपास, तो बस इसको रखेंगे। और अगर पतीले वाले जो है प्रीहीट कर ले पतीले को, मेरी रेसिपीज देख ले, बहुत सारी जगह मैंने पतीले में बनाया है, तो बस कोई भी रिंग रख ले उसमें और उसको गर्म कर दे कवर करके 10 मिनट तक मीडियम हाई पे गर्म करें और जब रखने का टाइम आए तब उसको मीडियम लो कर दें और पकाएं अराउंड 1 घंटे के आसपास। तो चले इसे भी हम रखते हैं फॉर अराउंड
50 मिनट्स। फोर्टी फाइव मिनट्स हो गई है, खुशबुएं शानदार आ रही है, तो चले चेक करते हैं कि हो गया है कि नहीं। और ये देखें क्लीन है, तो ये रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ी देर हम इसी तरह ठंडा होने देंगे, अराउंड 5-7 मिनट। देखिए 5-7 मिनट हो गई है, केक जो है वो ठंडा थोड़ा हो गया, तो इसे खोल लेते हैं। थोड़ी देर कूलिंग रैक पर ठंडा होने देते हैं और जब तक हम एक अच्छा सा गनाश बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटा सा पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप टेबल क्रीम। और अगर चाहें तो वो जो हमारे यहाँ दूध आता है ना, जिसको हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर एक मोटी सी मलाई जम जाती है, तो चाहे तो वो ले लें, फेंट लें और थोड़ा सा उसमें डाल के दूध और उसको खूब अच्छी तरह क्रीमी क्रीमी करके वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 कप ले सकते हैं। तो वो डाल देंगे अपने पैन में और इसको अब हमें थोड़ा सा गर्म करना है, हल्का हल्का सा साइड में, जैसे सिजलिंग होगा जब तक ही। मेरा फेवरेट केक तो वो है जिसमें जोया साथ थी, उसने इतना छोटी थी और अनएक्सपेक्टेडली पत्नी क्या क्या किया था, अब मैं ज़िंदगी में कभी आना के साथ बनाऊंगी। लेकिन वो वाला केक तो देखना बनता है, इतना एक्साइटमेंट था और हर चीज़ टॉपिंग वगैरह भी उसने खुद ने ही की थी बहुत अच्छा था। और अगर आप चाहें तो ये माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं लाना है, तो बस चूल्हे को करते हैं बंद। और यहाँ हमारे पास सेमी स्वीट चॉकलेट है जो कि 1 कप है, उसमें ये डाल देंगे। बस 1 मिनट इसी तरह रहने देंगे। और बाय द टाइम हम ये केक को ऊपर से यहां से काट लेंगे। ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से फ्लैट हो सके ना, ऊपर का जो भी फूला हुआ पार्ट है ये निकाल लेंगे। केक अभी भी गर्म है और ठंडा होना जरूरी है। तो बस अब इसे हम जाली स्टैंड पर रख देंगे और यहाँ 1 मिनट हो गई, इसे हम मिला लेंगे। और ये देखें हमारा शानदार सा गनाश जो है रेडी हो गया है। हाय जोई होती तो मैं ये स्पैचुला उसे चाटने के लिए देती मेरा बच्चा, मैं इतना मिस कर रही हूँ उसको। चले इसे कवर करते हैं और केक का ठंडा होने का वेट करते हैं। हमारा केक जो है ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर हो गया है, तो चले अब इसको हम डेकोरेट करते हैं। ये हमारा गनाश लेते हैं और ये डालेंगे। आप साइड में भी थोड़ा डालेंगे। एक स्पून सना के नाम, 1 स्पून जोया के नाम, 1 स्पून गुड़िया के नाम, बाकी छोटे छोटे स्पून हम सबके नाम। अब जो है अगर चाहे तो इसी तरह से रखें और चाहे तो थोड़ा सा स्मूथ कर लें। और अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे किसी भी तरह, कोई भी डिज़ाइन जैसे कर देंगे। तो ये जैसे मेरे पास ये रखा हुआ है केक का,
इससे कर देंगे। और फिर साइड में भी कर देंगे। ये रेडी। विदाउट मेहनत, सिंपल वे में अगर केक बनाना है और मज़ेदार, इजी, बजट फ्रेंडली, दिस इज़ द बेस्ट केक। तो अब इसको उठाएंगे और रख देंगे। रेडी। किस किस की बर्थडे है, चलिए सबका केक काटते हैं। माइंड ब्लोइंग, इतना रिच है, इतना क्रीमी है, लग रहा है हमने पूरी दुनिया की बेस्ट चीज़ें डाल के बनाया है मेहनत करके। लग ही नहीं रहा है कि इस कदर चटपट बनने वाला केक है और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। आप लोग के लिए तो बाइट बनता ही बनता है। ये ऑसम, कातिल आना खतरनाक, मतलब ऐसा लगता है क्वालिटी है। ये जब आपको बनाएंगे ना, जब ही पता चलेगा। तो चलिए जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।